पाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था, कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते। मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नौका करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाल ही में कुछ प्रमुख समाचार चैनल आज तक, ABP न्यूज, न्यूज नेशन, संत रामपाल जी के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी प्रसारित की है। बताने लायक आप मीडिया ने छोड़ा ही नहीं है, निराधार बातों को आप दिखाते हो, जो सच्चाई है उसको दिखाते नहीं हो। कभी आपने सर्च करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कितने उनके आश्रम हैं? आप नकली लुटिया चोर लोगों के साथ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। संत रामपाल जी के अनुयायियों का दावा है कि इन चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके गुरुजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें नाम तो जोड़ा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने जो नाम इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो मीडिया साबित कर पाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने समाज सुधारक सेवाएं काम किए हैं वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाए हैं। ना संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दहेज मुक्त शादियां कराते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी इतने नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, जहाँ इतनी बाढ़ आती है या कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, संत रामपाल जी महाराज जी इतने समाज सेवा काम करते हैं वो कभी मीडिया ने। इनटू ऑल न्यूज मीडिया चैनल इन आवर कंट्री आई एम कंपेल्ड टू एड्रेस अ कंसर्निंग ट्रेंड दैट हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली। It has come to our notice that some media outlets have been forcibly linking Supreme Saint Rampalji Maharaj's name to unrelated cases involving some other spiritual leaders. We urge you to refrain from unnecessarily dragging Sant Rampalji Maharaj's name into such cases. It is unfair and defamatory, and it hurts the sentiments of all us followers. Sant Rampalji Maharaj is a true spiritual leader who has been sharing the most authentic spiritual knowledge from our own holy scriptures. He is distinct in the way that he teaches, and his positive teachings has impacted the lives of countless people. We request you to be responsible and ethical in your reporting and don't spread misleading information and stop tarnishing the reputation of genuine spiritual leaders like Sant Rampalji Maharaj ji. This may force us to go ahead and file some cases of defamation against all such news media outlets. Please refrain from any such false reporting. Thank you. आज तक चैनल ने कई बार संत रामपाल जी के बारे में गलत समाचार प्रसारित किए हैं। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य पेश किए हैं जो सत्य पर आधारित नहीं है और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनुयायियों का कहना है कि चैनल ने बिना उचित सत्यापन के ही संत रामपाल जी के बारे में गलत जानकारी दी है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने आज तक से माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल सही जानकारी प्रस्तुत करे और अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। न्यूज नेशन चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि संत रामपाल जी के आश्रम में गर्भपात होते थे और उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि ये सभी आरोप निराधार और गलत हैं। चैनल ने बिना किसी ठोस सबूत के ही ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो संत रामपाल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। संत रामपाल जी के समर्थकों ने न्यूज नेशन से भी तत्काल माफी की मांग की है और आग्रह किया है कि चैनल अपनी गलती सुधारते हुए सही जानकारी प्रसारित करे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पर कोई भी यौन शोषण का आरोप नहीं है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी का जीवन सच्चाई और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने चेतावनी दी है कि यदि चैनलों ने अपनी गलत सूचना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और सही जानकारी नहीं दी तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सत्य और निष्पक्षता के साथ समाचार प्रस्तुत करे, न कि बिना सत्यापन के गलत जानकारी फैलाए। मेरा मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का नाम किसी अन्य बाबों के साथ में न जोड़ें जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। आज तक मीडिया वालों से हम पूछना चाहेंगे क्या कोई केस उन्होंने सिद्ध करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी पर? इतने केस लगे क्या कोई सिद्ध करके दिखाया? ये झूठी खबर दिखाना बंद करें और हम फिर प्रार्थना करना चाहेंगे
कि मीडिया एक सच्चा स्तंभ होता है, उसको सच्चाई के साथ दिखाया जाए, ना कि गलत रिपोर्ट दी जाए। 8 केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं और मीडिया वालों ने एक भी केस नहीं दिखाया कि वो बरी हो चुके हैं। टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिका चला करेगा, ये बकवास बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योगदान ऐसे इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये सत्कर्मा लड़ा। आपको इस कलयुग में देख लिया, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविजन, इंटरनेट और ये गाड़ियां, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे, जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी, बकवाद भर दी, वो हम वास आउट कर देंगे कति। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये सत्कर्मा लड़ा। पूरे सभी चैनलों पर एक ही ज्ञान चला करेगा और ज्ञान नहीं रहे, ये नोट कर लेना इस बात को, आने वाले समय में या तो आध्यात्मिक ज्ञान चलेगा नहीं किसी भी चैनल पर, चलेगा तो केवल एक यही चलेगा परमात्मा वाला, बाकी सब फेल हो जाएंगे। ऐसा जुल्म फैल गया जनता में, भाई ने भाई देख कर राजी नहीं, बाण भाई का प्यार नहानी, पैसा पैसा नजर आता है, या बकवादियां आती हैं, डीजे, शराब पीना, सरेआम बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां होनी, ये समाज बना दिया है नकली संतों ने। अपने आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं, तो अपने आत्माओं आज का मानव बालक नहीं है, परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए दी है तो भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं है। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ ऊंच घराना की लड़की हैं, वह नंगी ना ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं, यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की, अज्ञानता के कारण हम उनको अच्छे पढ़े पिला, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है जो इसे बेहुदे ढंग से पीछे भूडे लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है, क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियाँ। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है, अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से। इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा पूरा सत्संग मालिका चला करेगा, ये बकवाद बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है, ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो सरेआम करते उसका बकल तार दिया करते थे, ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले, अरे भी इसने बोर मानना है, शाबाशी मानते हैं, तो ये किसने दिया? इस शिक्षा ने इन टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योगदान ऐसे इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है, ऋषि से पहचान पहचान कर उसके बच्चे बहन बेटी भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो ये तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए, और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, इस भूल को अब समाप्त करो, असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते ने। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगाए। अपने आत्माओं जिसको नशा हो, वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के एक क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता जोड़ दे मौज हो रही है, तो
तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, यह शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। भारतीय मीडिया संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भ्रामक खबर दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।